जय माता दी, स्वागत है आपका बीमा दी कुकिंग में। आज हम बनाएंगे साबूदाना के बढ़िया पकोड़े और साथ में हरी चटनी, जो कि व्रत में खा सकते हैं। चलो मिलकर बनाते हैं हम साबूदाना के पकोड़े। उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे, साबूदाना को भिगोएंगे। साबूदाना को कम से कम 4 से 5 घंटे भिगोएंगे या पूरी रात भिगने के लिए छोड़ देना। भिगने के बाद देखो बढ़िया साबूदाना का साइज़ डबल हो गया। हाथ से उसको दबा के देख लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। उसमें हम बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च, 1 इंच के करीब अदरक, मोटी दरदरी कटी हुई काली मिर्च और साथ में हमने 2 से 3 चम्मच डाल दिया दही। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और हम थोड़ा सा इसको पेस्ट को थिन कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के 1-2 स्पून के करीब। और उसके बाद हमने जो हरा धनिया बारीक काट के इसमें डाल देंगे 10-15 पत्ते के करीब। और हमने इसमें डाल दिया साथ में जीरा, 1 चम्मच छोटा जीरा। और यह हमने जो कुट्टू व्रत का चावल है उसका आटा, अगर नहीं है व्रत के आटे, जो व्रत के में चावल खाते हैं उसका आटा, तो आप सोमा राइस को मिक्सी में तुरंत पीस सकते हैं। और 8-10 हम बादाम को थोड़ा सा फ्राई करके ना देसी घी में, वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। और ये हमने डाल दिया नींबू का रस और 1 छोटा सा आलू, उसको भी बारीक बारीक काट के डाल दिया हमने। अब ये पूरे बैटर को हम 10 से 15 मिनट रेस्ट कर देंगे। रेस्ट करने के बाद रख देंगे, थोड़ा फूल जाएगा, बढ़िया हमारा देसी घी गर्म हो जाए। मीडियम फ्लेम पर हम ऐसे थोड़े थोड़े हाथ की मदद से सारे जो है साबूदाना के पकौड़े डाल देंगे। और मीडियम फ्लेम रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे ना लो फ्लेम रखेंगे। अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से पकोड़ों को। ये बढ़िया हमारे साबूदाना के पकोड़े बनकर तैयार है। आप भी इसी तरह साबूदाना के पकोड़े और साथ में हरी चटनी बनाना, बढ़िया बनेंगे। बढ़िया बने तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपका दिन मंगलमय हो। जय माता दी।